ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 9 दिसंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और निफ्टी लगातार नए हाईस क्रिएट कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में भी अगर यूएस मार्केट को देखें तो वहां पर भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। यह कल का पिक्चर है, यानी 8 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,368 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 13,319। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शुरू में तो निफ्टी इंडेक्स ये जो फर्स्ट टारगेट था इसी के पास ओपन हुआ और टूवर्ड्स साउथ नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ और नया हाई यहाँ पर क्रिएट किया। और जैसे ही यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन इसने फॉर्म किया, तो ये जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो एग्जैक्ट इसने ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ पर डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनाया। अगर इसे लाइन चार्ट में देखें तो आपको क्लियरली समझ आएगा, ये जो लेवल है यहाँ से ये जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन फॉर्म हुआ, और यहाँ से जैसे ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो यहाँ पर ये डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ और इसका नेक लाइन ब्रेक करके ये और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चला गया। फिर से एक बार नेक लाइन का सपोर्ट टेस्ट किया और फिर इसने अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रखा। तो ये पैटर्न्स होते हैं जैसे हमने स्टडी प्रोग्राम में देखे हैं, इस तरह के पैटर्न लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना होता है और जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर ट्रेड लेना फायदेमंद साबित होता है। तो इस तरह से कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 13,384 ये भी अचीव हुआ, सेकंड टारगेट 13,397 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ था, काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देखते, कल भी यूएस मार्केट में नए हाईज देखने को मिले, नासडैक करीब 62 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में मिला जुला कारोबार लास्ट 2 महीने से देखने को मिल रहा है, ना ही तेजी देखने को मिल रही है ना ही कमजोरी, एक फ्लैट वे में निफ्टी यूरोपियन मार्केट्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार देखे तो आज लगभग सभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की खबर काफ़ी पॉजिटिव उम्मीद मार्केट के लिए है, तो यहाँ पर जापनीज इंडेक्स भी 276 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। वहाँ पर स्टिमुलस पैकेज का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट के बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर भी 75 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ऑल टाइम हाई लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में ओवरबॉट जोन में निफ्टी इंडेक्स है, 7,200 ये ओवरबॉट जोन माना जाता है। लास्ट कई सारे वीडियो से हम ये ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक नए लेवल पे प्रॉफिट बुक करना फायदेमंद साबित हो सकता है। और लास्ट ये जो स्विंग हाई लो मिला था उसको पकड़ के जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, इसका एग्जैक्ट कल 150% का लेवल भी अचीव हुआ। ये जो कंटिन्यू अपसाइड मूव है यहाँ पर पैटर्न बना है हायर हाई हायर लोस का, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर कल के हाई के ऊपर अभी फिर से निफ्टी सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा 161.8% का लेवल 13,550 के आसपास। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हम आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
वीकली चार्ट देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट मिला है, ये जो रेड कैंडल बना था, लॉन्ग ब्रेक रेड कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ और हायर हाईज यहाँ पर कंटिन्यू बन रहे हैं, हायर हाई हायर लोस 4-5 दिन से लगातार बन रहे हैं। और फिर अभी जाके एक डोजी कैंडल बना है, डेली चार्ट में डोजी कैंडल बना है, यानी जब जब डोजी कैंडल बनता है एक ट्रेंड रिवर्सल का भी सिग्नल होता है। आइदर ये इसका हाई ब्रेक करके, ये जो इसका डोजी कैंडल का हाई है ये ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या फिर ये जो लो है ये कंफर्टेबली ब्रेक करके यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो डोजी आने के बाद एक सिग्नल होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, आएगा ही, ऐसा कहा नहीं जा सकता। एक 70-80% मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है ऐसा डोजी स्टार जैसे कैंडल बनने के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। यहाँ पर भी डोजी बना था लेकिन इसका ट्रेंड रिवर्सल हमने नहीं मिला, ये जो लो है ये ब्रेक नहीं किया था, इसका हाई ब्रेक किया कंफर्टेबली, ये देखिए यहाँ पर, और इसके बाद फिर से कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो अभी देखना ये होगा कि इसका लो आइदर ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन होता है, या फिर इसके हाई के ऊपर सस्टेन होता है। ये सिग्नल हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल का, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ सिग्नल है, कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है इस समय। वीकली चार्ट भी हमने देखा, चलते 60 मिनट के चार्ट में। कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, ये लो, ये हाई और ये लो को पकड़ के। तो जैसे कि आप देख पा रहे, ये 100% का लेवल जो है एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। एक दिन पहले इसने 76.4% का ये जो लेवल था इसी के पास रेजिस्टेंस फेस करके ऑलमोस्ट क्लोज दिया था। कल भी आप देख सकते हैं 2 बार इसने 100% का ये जो लेवल है इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो काफ़ी एक्यूरेट ये फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल भी कल साबित हुए। अभी और एक नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक स्विंग हाई लो मिला है, यानी अगर अब यहाँ पर ये लो, ये हाई और ये लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करें तो हमें नेक्स्ट और आगे के लेवल्स यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये लो, ये हाई और ये लो। तो आप देख सकते हैं 38.2% के लेवल के पास इसने अभी रेजिस्टेंस फेस किया है। नेक्स्ट 50% का यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा जो कि 13,450 के पास है, और ये इसको अगर ब्रेक करता है तो 13,500 के लेवल्स हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल से प्रोजेक्ट ये है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निफ्टी मूव होता है तो इन लेवल्स के पास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा ये जो कल का हाई है, इसके तुरंत ऊपर R1 का पिवट पॉइंट का भी लेवल है, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी 13,449 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,463, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,479, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर निफ्टी इंडेक्स आता है तो जो यहाँ पर ये पिवट पॉइंट का लेवल है यानी ऑलमोस्ट 13,378, इसको अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस डे का, जहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था और ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास क्लोज हुआ था, 76.4% का लेवल था, 13,359, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 13,334, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।